जैगुआर XF 2014 जुलाई मंथ रजिस्टर्ड ओनर सेकंड चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन है। सो ये एक अच्छी बात है कि आपको वैलिडिटी 15 साल की मिल जाएगी, क्योंकि चंडीगढ़ में 10 इयर्स का नाम अभी तक नहीं आया है थैंकफुली। गाड़ी चली है सिर्फ और सिर्फ 23,000 किलोमीटर, 23,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, ऑल ओरिजिनल कार है। गाड़ी का 360 डिग्री व्यू आपको दिखाऊंगा, इंटीरियर्स आपको दिखाऊंगा, एक बार गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके भी बताऊंगा। रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप अपने लिए कोई भी लग्जरी कार सर्च कर रहे हैं तो साइड में मैं अपना एक कैटलॉग रन कर रहा हूं, जहां पे आपको सारी लग्जरी कार्स देखने के लिए मिल जाएंगी, सारी ब्रांड्स की मिल जाएंगी, मोटा मोटा आपको सारी ब्रांड्स की आपको वहां पे गाड़ियां मिल जाएंगी। हर गाड़ी के 10 फोटोग्राफ्स, डिटेल्स, आस्किंग प्राइस होगा वहां पे, और एक यूट्यूब वीडियो लिंक होगा ताकि आप उसकी आराम से पूरी वीडियो देख लें। अगर अब तक मोटो फाइंडर को आपने सब्सक्राइब नहीं करा, रिक्वेस्ट करूंगा मोटो फाइंडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूं, गाड़ी ऑल ओरिजिनल है, टायर्स बहुत अच्छी कंडीशन में है, इंश्योरेंस जो है वो इसका एक्सपायर्ड है, दोनों चाबियां गाड़ी की अवेलेबल है, इंटीरियर्स गाड़ी के नीट एंड क्लीन है। जैसे मैं आपको गाड़ी 360 डिग्री व्यू दिखाता आ रहा हूँ, एक बारी और आपको पास से क्लोज व्यू भी दिखाऊंगा, इनका एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए इंटीरियर्स दिखाऊंगा। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, और मैं इस इंटेंट के साथ वीडियोस बनाता हूं कि मैं गाड़ी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, और जब आप आएँ तो डील करने के हिसाब से आएँ, गाड़ी देखना दिखाना वो वीडियो में ही हो जाएगा। सो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में यहाँ पर हमें DRLs मिलते हैं जो कि इंटैक्ट कंडीशन में है, बराबर लाइट्स अपनी थ्रो कर रहे हैं। यहाँ पर हमें जो है ज़िनॉन हेडलाइट्स मिलती हैं, मिल्की येलो कलर की ज़िनॉन हेडलाइट्स हमें इसके अंदर मिलती हैं। यहाँ पे हमें हेडलाइट वॉशर्स मिलते हैं जो भी इंटैक्ट है। यहाँ की जो फिन्स हैं ये भी अभी इंटैक्ट है, क्रोम फिनिश भी इसका बिल्कुल इंटैक्ट है। यहाँ से हल्की हल्की मिट्टी लगी हुई है, दैट्स ओके। यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच आ रहा है जो कि कवर हो सकता है कलम टचिंग से, और कुछ भी नहीं है, हल्का हल्का सा स्क्रैचेस हैं बस बम्पर पे। उसके अलावा गाड़ी ऑल ओरिजिनल है। बोनेट पे आप अगर देखेंगे तो बोनेट पे एक हल्का सा यहाँ पे निशान है जो किसी ने शायद इंटेंशनली लगा दिया होगा, जब कस्टमर ने गाड़ी कहीं खड़ी करी होगी किसी के घर के नीचे, लोग ऐसा करते हैं, आई डोंट नो क्यों ऐसा करते हैं। बोनेट जो है आप इसका देख सकते हैं, लंबा बोनेट आपको इसमें मिलेगा, और स्क्रैचलेस बोनेट है। ये वाला जो लोगो है हमारा ये भी इंटैक्ट है, सामने की ग्रिल भी हमारी पूरी तरह से इंटैक्ट है। फ्रंट में हमें जैगुआर का लोगो मिलेगा और ऊपर हमें यहाँ पे इसका सिग्नेचर लोगो मिलेगा। उसके बाद में ये जो हमारा पूरा का पूरा बम्पर आ रहा है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रहा है। ये वाला फेंडर जो है, ये वाला फेंडर मुझे पेंट लगा है, बट जिनकी गाड़ी है उन्होंने कहा है कि ऑल ओरिजिनल है, तो मैं उसी चीज़ को मानते हुए आपको बता रहा हूँ कि ये ऑल ओरिजिनल है, बट ये वाला फेंडर बस मुझे एक चीज़ पेंट लगी है, बाकी पूरी गाड़ी ओरिजिनल लगी है। टायर्स अगर आप देखेंगे, टायर्स इसकी बहुत अच्छी कंडीशन में है, पिरेली के टायर्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो हमें टायर साइज मिलता है 235/55R17 इंच के अलॉयज हैं। अलॉयज भी अच्छी कंडीशन में है, कोई स्क्रैचेस नहीं खा रहे हैं। अक्सर ये वाले इस साइड के अलॉयज पे स्क्रैचेस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन गाड़ी लेस ड्रिवन है तो स्क्रैचेस कम है इसके ऊपर ऑब्वियसली। डिस्क और इसके जो शॉकर्स हैं वो भी इंटैक्ट हैं बिल्कुल। यहाँ पे हमें जैगुआर की फिन्स मिलेंगे बैजिंग के साथ में, ये फिन्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमें क्रोम फिनिश मिल रहा है, यहाँ पे हमें ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिल रहे हैं क्रोम फिनिश के साथ में। अभी हम देख लेंगे कि ये प्रॉपरली फंक्शनल है या नहीं। ये वाला डोर हमारा साफ साफ बचता है, ठीक है। यहाँ पे डी पिलर पे आप देखेंगे कितना प्यारा लुक मिल रहा है गाड़ी का जो है। यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल रहा है, अलॉयज इसके इंटैक्ट मिल रहे हैं, टायर्स अच्छे मिल रहे हैं, तो गाड़ी साइड प्रोफाइल से बहुत अच्छी लग रही है। सनरूफ के साथ है ऑफ कोर्स, शार्क फिन एंटीना हमें इसके अंदर मिलेगा। ये वाला हमारा डोर हमारा साफ साफ बचता है, फिर हमारा ये वाला फेंडर भी हमारा साफ साफ आता है। पीछे अगर आप इसकी बूट देखोगे तो बूट भी इसकी नीट एंड क्लीन है, ऑल ओरिजिनल बूट है इसकी। अभी तक सारी चीज़ें ओरिजिनल आई हैं। यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे हमें। लेस ड्रिवन कार्स मिलना ऑनेस्टली काफ़ी मुश्किल होता है, और 2014 छोटे मॉडल मिलना तो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से देखिए कितना फ्रैंकली यूज है, देख कर लग रहा है। और यहाँ पे देखिए इसका जो स्पेयर व्हील है वो शायद कभी यूज़ ही नहीं हुआ है, ये देखिए बिल्कुल नया पड़ा है। तो यहाँ पे आप देखिए बैटरी भी देखिए इसकी बिल्कुल नीचे की, जो पीछे की बैटरी है इसमें ये भी बिल्कुल नई रखी हुई है। सो अभी तक तो कोई काम नज़र नहीं आया है जो मैं आपको सजेस्ट करूँ। एक इंश्योरेंस है जो आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना है, लेकिन उसके चलते प्राइस नेगोशिएट हो गया है, ऑलरेडी करके लाया हूँ। 16.5 लाख रुपये से 1 रुपये कम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, वो जिनकी गाड़ी है ऑफकोर्स वो। ये वाला हमारा पीस बिल्कुल साफ साफ बचता है, यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच आ रहा है बट जो कि रबिंग बफिंग से जा सकता है। ये वाला हमारा पीस हमारा साफ साफ बचता है, यहाँ पे हल्का हल्का सा स्क्रैच आ रहा है। टायर्स चारों पिरेली के एक ही प्रोफाइल के चल रहे हैं। ये वाले डोर पर हल्का सा यहाँ पे एक स्क्रैच है जो रबिंग बफिंग से चला जाएगा और कुछ नहीं। ये वाला डोर पर यहाँ पे स्क्रैचेस देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। ये जो है गाड़ी जो है लगाते में रिवर्स करते में कहीं हल्का सा लग जाता है, ये भी कलम टचिंग से कवर हो जाएंगे, कोई गहरे नहीं है। सो ओरिजिनलिटी को मेंटेन करते हुए जो है गाड़ी पेंट नहीं कराई है बेसिकली। ये वाला हमारा पीस बिल्कुल साफ साफ बचता है, चारों पिरेली के टायर हमें मिल रहे हैं इसके अंदर। तो एक बार आपको इसको फ्रंट हुड खोल के दिखा रहा हूँ आपको। इंजन देखिए बिल्कुल इंटैक्ट कंडीशन में है, यहाँ पे देखिए कभी किसी तरह के बोल्ट्स नहीं चले हैं, जैसे कंपनी से आई है बिल्कुल वैसे के वैसे है। यहाँ पे भी आप साइड में देखेंगे तो कहीं पे कोई बोल्ट्स चले हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कभी गाड़ी खुली नहीं है। जैसी इंटैक्ट आई है कंपनी से बिल्कुल वैसी इंटैक्ट है गाड़ी। यहाँ से यहाँ तक हमने पूरी इसकी पाइपिंग वगैरह चेक कर ली है,
इंजन भी आप देख सकते हैं सर्विस रिकॉर्ड्स के साथ चली है ये 23,000 किलोमीटर। एक बार सेल्फ मार के आपको और दिखा देता हूँ। गाड़ी के टेस्ट ड्राइव पे जाने से पहले एक बार आपको इसके इंटीरियर्स दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी कहीं से कहीं तक स्टिचिंग जो है वो कहीं से कहीं तक टॉन नहीं हुई है। यहाँ पे हमें स्पीकर्स मिलेंगे डोर्स में, क्रोम फिनिश यहाँ पे मिलेगा। दोनों बटन दबाएंगे हम तो हमारे रिट्रैक्टेबल मिरर्स जो है वो बंद खुल जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक वाइड पैनलिंग मिलेगी वुड की, जो कि एक सिग्नेचर है जैगुआर का। जैगुआर में ही यहाँ पे इतनी वाइड पैनलिंग मिलती है हमें वुड की। और यहाँ का जो लेदर है वो भी कहीं से कहीं तक ख़राब नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। सीट्स देखिए आप इसकी कितनी इमैकुलेट कंडीशन में है। सीट्स इसकी बता रही हैं अपने आप में कि ये सिर्फ और सिर्फ 22,000-23,000 किलोमीटर चली गाड़ी है। स्टेयरिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंडीशन में है। अंदर का आप कंसोल देखिए, कंसोल भी इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। फ्रेंड्स, मैं आपको गाड़ी इतनी बारीकी से दिखाने के लिए इसलिए कोशिश करता हूँ, आप जब आएँ गाड़ी लेने के इरादे से आएँ, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है सर, और उस टाइम की कदर करते हुए, उस टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए मैं अनबाइज वीडियोज़ बनाता हूँ। और मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा मेरे टाइम की भी आप मतलब वैल्यू करें, और आप जब आएँ तो वीडियो देखने के बाद गाड़ी देखने के लिए आएँ। ऐसा ना कहें कि हमने वीडियो भेजी आपको और आपने देखी नहीं और आप सीधा गाड़ी देखने के लिए आ गए, तो ऐसा ना करें प्लीज़। सो गाड़ी की एक मेरी टेस्ट ड्राइव लेके आपको दिखाता हूँ गाड़ी चलने में कैसी है। तो चलते हैं जैगुआर की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। जैगुआर में जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये फीचर बड़ा अच्छा लगता है जब ये गियर पॉपअप होता है, और जैसे ही हम एसी ऑन करते हैं तो इसके एसी के वेंट्स ऑन हो जाते हैं, और जैसे ही हम इसको एसी को ऑफ़ करते हैं एसी के वेंट्स ऑफ हो जाते हैं। कितने स्मूथली खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि गाड़ी जो है स्प्रैंकली यूज है ऑनेस्टली। और यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे हमें नेविगेशन मिल रहा है और रिवर्स गियर हमें इसके अंदर मिलता है, जो कि रिवर्स कैमरा भी बहुत अच्छा है इसका। ये देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि गाड़ी लेस यूज्ड है, जेन्युइनली नीट एंड क्लीन कार है। सनरूफ देख लेते हैं बिल्कुल सिंगल टच के साथ में वर्किंग कंडीशन में है। तो जो भी ये गाड़ी लेते हैं कस्टमर्स, एक बार हिस्ट्री तो चेक करते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आरसी व्हाट्सएप कर दूंगा, आप इसकी हिस्ट्री चेक करके आएँ। सर वैसे एक बात बताऊँ आपको, अगर लेस ड्रिवन गाड़ी आपको छोटे मॉडल में लेस बजट में मिल जाए ना, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। जैसे मेरे पास में एक A4 है, 25,000 किलोमीटर चली है सिर्फ गाड़ी। उसके बाद में ऐसी बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें आती है। अभी मैंने एक BMW 320D बेची थी कस्टमर की गाड़ी, जो कि सिर्फ 20,000 चली थी, बैंगलोर के कस्टमर लेकर गए थे। उनका भी मैंने रिव्यू अपने चैनल पर डाला है, वो भी देख सकते हैं। सो लेस ड्रिवन कार का एक अलग मज़ा होता है, गाड़ी बिल्कुल मतलब नई जैसी होती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नई होती है, ब्रांड नहीं होती है, नई जैसी होती है, क्योंकि गाड़ी चली नहीं होती है। ठीक है, 2014 मॉडल है, जुलाई मंथ रजिस्टर्ड है, 2029 तक आप इसको चला सकते हैं क्योंकि चंडीगढ़ रजिस्टर्ड है। ट्रांसफर भी हो जाएगी आपके नाम पे, NOC भी निकल जाएगी अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद में 2029 तक आप चलाइए, 7 साल बचे हैं, आखिर 60-65 लाख रुपए की गाड़ी है ये। अगर आप कैलकुलेट करें जो डिप्रिसिएशन फर्स्ट टू ओनर्स ने उठाया है, उन्होंने कितना बड़ा डिप्रिसिएशन उठाया है, उन्होंने जितना डिप्रिसिएशन उठाया है मोटा मोटा, उससे सस्ती गाड़ी तो आपको मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ओनर ने गाड़ी ली होगी 60 लाख रुपए की या 65 लाख रुपए की, उन्होंने बेची होगी, आगे सेकंड ओनर बने होंगे, कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर हुई होगी, जो भी रहा होगा, फिर सेकंड ओनर ने चलो बनने के बाद में जब गाड़ी बेची है तो उन्होंने कितना डेप्रिसिएशन उठाया होगा कि आज आपको गाड़ी 16.5 लाख रुपये में मिल रही है। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाकी सर देखो, दूसरे की चीज़ जो होती है ना, वो लोगों को लगता है कि बहुत सस्ती मिल जाएगी, ऐसा होता नहीं है। रीज़न बिहाइंड कि एक ही गाड़ी होती है प्री ओन्ड में, ऐसा नहीं है कि मेरे पास में 100 गाड़ियों की फ्लीट है, एक ही गाड़ी है, वो एक ही कस्टमर चाहिए। और कोई ना कोई, आई एम श्योर, कोई ना कोई, इतना बड़ा हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इतना बड़ा देश है हमारा हिंदुस्तान, कोई ना कोई आके ज़रूर ले जाएगा। गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है। मेरे पास में एक जैगुआर XF कम बजट की भी है। अगर आप 10 लाख रुपये तक में एक जैगुआर XF देख रहे हो तो मेरे पास में कम बजट की भी है, वो 2013 दिसंबर है, लेकिन वो गाड़ी चली है 82,000 किलोमीटर्स। उसके भी टायर्स अच्छी कंडीशन में है और इंश्योरेंस वैलिड है उसका, दिसंबर तक अब शायद ख़त्म होने वाला होगा। दोनों चाबियां हैं, इनवॉइस वगैरह सब कुछ है, उसकी NOC भी निकल जाएगी पर्पल कलर की, आप वो भी मेरे वीडियो पे देख सकते हो। सो कमिंग बैक टू दिस कार, मतलब इसका ये देखिए, जैगुआर चलाने का एक अलग मज़ा है। और अगर लेस ड्रिवन मिल जाए तो सर कोई टक्कर ही नहीं है। गाड़ी का पिकअप ओके है, गाड़ी की ब्रेकिंग ओके है, हैंडलिंग अच्छी है, टर्निंग रेडियस बहुत कम है गाड़ी का, गाड़ी के इंटीरियर्स नीट एंड क्लीन है। सिर्फ आपको इंश्योरेंस कराना है और 16.5 लाख रुपए पे करके आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। 7 साल के लिए आपको वैलिडिटी भी मिल रही है सर, और क्या चाहिए। मतलब 16.5 लाख रुपए में भी अगर आप ये गाड़ी छोड़ देते हो तो फिर आप
फिर सर छोड़ने में यकीन रखते होगे, आप लेने में यकीन नहीं रखते होगे, बुरा मत मानना, मैं थोड़ा सा फ्रैंकली बोल देता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये गाड़ी छोड़ने की नहीं है। 16.5 लाख रुपये इज़ अ वेरी गुड प्राइस फॉर दिस कार। हाउएवर सेलर का जो इसका आस्किंग प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा था, 19-19.5-20 लाख रुपये। बट आई टोल्ड हिम कि सर मैं वीडियो तभी बनाऊंगा क्योंकि मैं गाड़ी बेचने के इंटेंट से वीडियो बनाऊंगा सर, मैं वीडियो टाइम पास के इंटेंट से नहीं बनाऊंगा, मैं वीडियो बेचने के इंटेंट से बनाऊंगा, तो इसका वही प्राइस होगा जितने की गाड़ी बिक सकती है। तो उन्होंने कहा कितने की बिक सकती है, अच्छा तू ही बता दे। तो मैंने कहा कि 16-16.5 की बिक सकती है। तो ही सेट कि मैं 17 लास्ट की गाड़ी छोड़ दूंगा। फिर बैठे चाय पी उनके साथ में, फिर उनसे नेगोशिएट करा, फिर उनको बोला 16.5 की बना देते हैं सर, उससे कम आप भी मत करना और उससे ज़्यादा मैं भी नहीं मांग पाऊंगा। अगर आप अपने लिए कोई भी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरा कैटलॉग व्यू कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरा पेज है वसीम खान 1107 करके, वहाँ पे आप रील्स वगैरह देख सकते हैं। और मोटोफाइंडर अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे।